नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से नागपुर में आयोजित नमो महारोजगार मेले के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन मेले के पहले ही दिन सिर्फ 5,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। अगर इसी गति से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो सरकार के किए गए वादों का क्या होगा? ऐसा सवाल इस मेले में आए लाखों बेरोजगारों द्वारा किया गया। इस मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 तक का था, लेकिन कई कंपनियां दोपहर में ही अपने स्टॉल बंद करके निकल गई। नागपुर शहर में दिन ब दिन देह व्यापार में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मुंबई पुणे दिल्ली के कुछ मॉडल्स नागपुर शहर में 5-स्टार होटल में रहती है। यहाँ के कुछ दलाल फिर उनका सौदा करते हैं। फिलहाल नागपुर में चल रहे अधिवेशन में कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को यह मॉडल सप्लाई करने की जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नागपुर में आयोजित महारोजगार मेले के लिए आए उम्मीदवारों को यह भारतीय जनता पार्टी का इवेंट तो नहीं, ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस मेले में आए हर एक बेरोजगार को एक बैग दी जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो छपे हुए थे। साथ ही इस मेले में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तथा झंडे बड़े पैमाने पर लगाए गए थे। एक ओर महाराष्ट्र राज्य सरकार महाराष्ट्र को नंबर वन बनाने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी ओर एक चौंका देने वाली खबर यह भी है कि राज्य में केवल अक्टूबर महीने में 852 बच्चों को कुपोषण के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सुविधा का अभाव इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। चंद्रपुर नागपुर महामार्ग पर स्थित टेमुड़ा में फिर एक बार सेंधमारों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेंधमारी का प्रयास किया, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो सके। फिर भी वे जाते जाते सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को लेकर वहां से फरार हो गए। वहां पर मौजूद नागरिकों की सतर्कता से उनका यह प्रयास असफल हुआ, लेकिन इसके पूर्व भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ही सेंधमारी कर लाखों रुपए उड़ा ले गए थे। वनी शहर के शास्त्री नगर परिसर में रहने वाली 20 वर्षीय विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। जयश्री राजू कुलसंगे ऐसा इस मृत महिला का नाम है। पिछले कुछ महीनों से वह अपने मायके में ही रहने की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। चंद्रपुर जिले में अवैध रेत तस्करों ने अपना जाल बिछा कर रखा है, और इसी के चलते राज्य सरकार का करोड़ों का महसूल इन रेत तस्करों ने निगला हुआ है। लेकिन इसी बीच मूल के तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए कल रेत की तस्करी कर रहे एक बड़े हाईवा को हिरासत में लिया। चंद्रपुर जिले का ब्रह्मपुरी शहर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मशहूर है, और इसी के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मपुरी शहर से कई खिलाड़ियों ने अपना नाम कमाया है, और यह देखकर विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा ब्रह्मपुरी में महिला महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक खेली जाएगी। चंद्रपुर जिले में स्थित घोड़ाझरी तालाब में मछली पकड़ने गए एक मछुआरे की डूबकर मृत्यु होने की घटना शनिवार को दोपहर लगभग 4:30 बजे प्रकाश में आई। 30 वर्षीय प्रमोद अर्जुन नन्हे यह अपने साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था, और अचानक वह तालाब में गिर पड़ा और तालाब में बिछाए जाल में वह फंस गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। रॉयल होटल लॉज एंड विच रेस्टोरेंट, प्लॉट नंबर 2 नागपुर रोड नियर शर्मा पेट्रोल पंप पडोली चंद्रपुर। फुल्ली फर्निश्ड 24 आवर्स रिसेप्शन रूम सर्विस, फ्री वाईफाई, फ्री पार्किंग, एसी रूम्स, चेकआउट 24 आवर्स। रॉयल होटल एंड लॉज रेस्टोरेंट, लंच डिनर इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड वेज तंदूर चाइनीज फूड, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी एंड मोर, अन्य फंक्शंस के लिए उपलब्ध। कॉन्टैक्ट 9209172880, 9422281002, 9850356884। तो एक बार अवश्य पधारें। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।